और बारिश हुई थी सुबह हल्की हल्की थी और हमने सुबह से कबूतर खोले हुए थे क्योंकि कबूतर आया था। मैं तो नीचे था, मैं मुंह धो के ऊपर आया था, फिर कहने उठा था मुझे बहुत कबूतर आया था और वो बिल्कुल अलग सा कबूतर था, मुंह उसका गोल्डन था, वीआईपी कबूतर था बहुत। तो हम लोग उसका पकड़ने की कोशिश करने लगे, मैं वहाँ पे गया पकड़ने, उड़ा और फिर चला गया, फिर दोबारा आके बैठा वो, लेकिन फिर चला गया, उसके बाद वो नहीं आया और बाकी कबूतर बन गया थी। और दोस्तों ये पिंजरा का हाल बहुत बुरा हो रहा है, हम पिंजरा बस नया बनवाने वाले और अंदर भी फर्श करवाएंगे ताकि अंदर पानी ना भरे, कीचड़ ना हो। देखें अंदर कितनी कीचड़ हो रही है, मैं आपको अंदर जाके नहीं दिखा सकता आज कबूतर, फिर बच्चे गेम से बाहर से दिखा लूँगा। और दोस्तों हमारे नेबर का कबूतर यहाँ पर आता रहता है, बैठता रहता है वहाँ पर आगे, लेकिन हम पकड़ते नहीं है। और बाकी छत भी बिल्कुल साफ़ हो रही है, हमने सुबह साफ़ कर दी थी, पानी पड़ा हुआ था ना बारिश का, तो हमने सारा फाइबर को निकाल दिया था, छत बिल्कुल क्लीन हो गई। और डक को भी नहीं खोला सुबह से, ना चूजे को खोला, इनको दाना पानी तो डाल दिया था मैंने, अब खोल देगा। सबसे ज़्यादा तो डक को आने की लग गई, बस बाहर निकल जाओ, आ जाओ तुम। तो दोस्तों सुबह डक ने अंडा दिया था और मुर्गी ने तोड़ के खा लिया, मुर्गी डक के साथ बनती, अब मुझे लग रहा है मुर्गी ने दिया होगा, शायद हो सकता है मुर्गी ने दिया पता नहीं, लेकिन सुकियान बोल रहे कि डक खा रही थी और मुर्गी का छोटी है, वो तो आया भी नहीं किसी का बाड़ी ऊपर। दोस्तों यही आ रहा है, मैं अपने गौतम को प्लान करवा देता हूं। तो इन दोनों को खोल दिया, तो मेरी लाल जल्दी से मेरी मुर्गी अंडे दे, तो मुझे भी खुशी होगी। तो दोस्तों मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हल्की हल्की से फिर से स्टार्ट हो गई, कल रात में हुई थी बारिश और परसों तो बहुत तेज हुई थी, रात में हमें पता नहीं था, हम सो रहे थे और ये लोग पता नहीं क्या आ रहे हैं, वो जंगल नीचे बैठा है, बॉडी नहीं है पता नहीं क्यों। पता है फल में टंकी पे जाके बैठते रहते हैं कबूतर, हम उड़ा भी नहीं पाते, कबूतर आते हैं तो वहीं बैठे रहते हैं। दोस्तों परसों रात हुआ ही एक, बारिश बहुत तेज हो रही थी रात में, हमें पता नहीं था, हम तो सो रहे थे, पिंजरे उन्होंने कवर करवा था अच्छे से, लेकिन पता नहीं पानी कैसे भरा पिंजरे के, छत पे पानी भर जाता है, इधर ये नीचे ढलान में ना छत पे, उस पर पानी भर जाता है और हमें पता भी नहीं था, हम तो सो रहे थे, रात में 4 बजे हुई थी बारिश और सुबह 8 बजे तक हो ही नहीं थी, सच में हम लोग ने ऊपर आके देखा तो दो कबूतर के जो छोटे छोटे बच्चे थे अभी निकले थे, मैंने आपको नेक्स्ट पिछली वीडियो में दिखाया होगा कि दो कबूतर के बच्चे थे बिल्कुल ठीक थे वो, और जैसे ही बारिश हुई पानी आया कटोरी में और बेचारे दोनों दोनों नहीं एक मर गया बच्चा, एक तो सही है, वो तो हम लोग ने देख लिया कि पानी भरा होता कटोरी में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वो देखें एक बच्चा बचा है बस, इसका साथ ही मर गया। तो दोस्तों ऊपर से पानी आ रहा था, वहाँ से उधर से पानी आ रहा था तो इनकी कटोरी में भर गया, तो छोटा वाला बच्चा अपना मुंह बाहर नहीं निकाल सका था इसलिए वो मर गया, और इसका मुंह बाहर था जब ये जिंदा है। तो दोस्तों हल्की हल्की सी फुहार हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और वाला कबूतर का बच्चा भी पड़ा हो गया थोड़ा बहुत, देखें फाल आता है कटोरी से, पहले तो फाल भी नहीं आता था। और दोस्तों काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी दिन नहीं महीना हो गया एक पूरा हम लोग ने कोई कबूतर नहीं पकड़ा, बारिश तेज स्टार्ट हो रही है, हम लोग ने पिंजरे भी कवर कर लिए लेकिन पीछे से पानी चल रहा था, पीछे से गया था ना घर, तो दीवार गीली होती तो पिंजरे भी गीले हो जाते हैं, हमारे तोते भी इंजॉय करते हैं सही बारिश में, अभी भी अच्छा मौसम हुआ है, धूप नहीं निकली हुई, तो ये परिंदों के लिए अच्छा मौसम है कि धूप भी नहीं निकली हुई ज़्यादा, ना बारिश हो वो ना ठंड होती थी ज़्यादा। और दोस्तों फिंच का जो बच्चा है वो नर निकल रहा है, और ये कबूतर उड़ रहा है, क्या हम किसी को देखते आ आ आ आ आ
तो वो तो चला गया दोस्तों, अभी बैठ रहा था बिल्कुल यहाँ पर आकर। मैं उसे ध्यान से बोल रहा हूँ कपड़ा उड़ा, सुजा नीचे से कपड़ा उड़ा दो जल्दी से, हो सकता है फिर लास्ट में आ जाइए। तो दोस्तों कबूतर ना हमारे खुले हुए थे, सुबह से कबूतर आया था तो मैंने खोल दिए थे, 5 कबूतर खुले हुए थे और वो आराम से दीवार पे बैठ के नहा रहे थे, पर हमने खोल लिए थे और बैठे हुए नहाते थे और वहाँ पे उनके भी कबूतर खुल गए, वहाँ पे वाइट कबूतर हैं बहुत सारे। तो दोस्तों बारिश हो रही है इसलिए बारिश का पानी कैमरे में पड़ रहा है, कैमरा ब्लर हो रहा है इस वजह से, और बादल देखें कैसे चलते हुए जा रहे हैं आराम आराम से, काले बादल तो सारे जा रहे हैं बारिश वाले, बारिश होए ना तेज फिर मजा आएगा। दोस्तों बारिश होती तो रात में होती, सिर्फ दिन में होती नहीं है कि हम इंजॉय कर सकें, रात में होती जब शोर होता सब। हर वक्त लड़ाई लड़ते रहते, पता नहीं क्या है। तो दोस्तों हमारी डब पहले इतने अंडे दे दी थी कि अंडे देती रहती थी, जैसे ही एक अंडा ख़राब हुआ दूसरा अंडा दे दिया, ऐसी करती रहती थी, अब अंडे ही नहीं दे रही पता नहीं क्या है, अंडे देती हैं तो देना शुरू कर देती हैं फिर देती ही नहीं है। और बाकी ये देखें तोते, हमारे 4 तोते सिर्फ इधर इस पिंजरे में, सिर्फ 4, 3 तोतियाँ इसमें और एक तोता है, और बाकी यहाँ पे एक प्यार है इनका, इसने अंडे दिए हमें तोती ने शायद, और इस वाइट वाली के मुझे लग रहा है बच्चे आ गए, मटकी में हम लोग ने देखे तो नहीं अभी तक, और ये येलो वाली बाहर बैठी रहती है और इसका तोता अंदर घुसा रहता है, यहाँ पे तोड़ता ही सीन है। और बाकी दोस्तों फिंचों ने भी अपनी जगह चेंज कर ली, ये ग्रे वाली फिंच और वाइट वाली फिंच जो उधर हुआ करती थी वो अब इधर आ गई, और ब्राउन वाली जो यहाँ थी वो वहाँ चली गई अब। और दोस्तों इनका बच्चा भी बहुत अच्छा है, मेल है वो देखो ऊपर बैठा हुआ है, इस फिंच के पीछे बैठा हुआ है, वो देखें वो बैठा हुआ, वो भी मेल निकल रहा है, और इनके भी शायद बच्चे हैं अभी। बाकी दोस्तों ये वाले तोते जो है हमारे ये ब्रीड नहीं कर रहे, ये अंडे नहीं दे रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ से सुराख कर रहे हैं बाहर निकल लेते हैं होशियार, बाहर निकलने की कोशिश में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों वाली जो तोती है इसका तोता भाग गया या अकेली है, और बाकी दोस्तों ये वाले तोते भी ब्रीड नहीं कर रहे शायद, पता नहीं पक्का, और ये होगो रोमो है इन्होंने भी ब्रीड नहीं करी, और ये मुर्गा मुर्गी है इधर। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करेगा, अल्लाह हाफिज़ करेगा।